नमस्कार दोस्तों, उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो 3 या 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वीक्लिप के ऊपर, जहां पे मैंने आपको वीक्लिप ऐप डाउनलोड करना और यूज करना सब कुछ सिखाया था और ये भी बताया था कि ये पेमेंट देता है या नहीं देता है, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट में लाऊंगा। तो फाइनली आज वीडियो आ चुका है, चलिए देख लेते हैं ये पेमेंट देता है या नहीं देता है, इसकी सच्चाई क्या है वो सबसे पहले आप लोगों के सामने डालते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई ये अर्निंग दुनिया में हो क्या रहा है। आपको भी तो पता चलना चाहिए हो क्या रहा है आप लोगों के साथ, मतलब जो यूट्यूबर आपको ये बता रहे हैं, मतलब मुझे आज बोलना तो नहीं चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, ये शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन मैं किसी गलत चीज को सुनता रहूं ये भी मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, ठीक है। बाकी जो मैं कर रहा हूं गलत है मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूं, ये भी एक सच ही है। क्योंकि भाई देखो, कोई एप्लीकेशन अगर प्रमोट करते हैं हम लोग ना, तो उसको डिमोट करने का भी राइट हमारे पास ही होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे मतलब सब्सक्राइबर हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, इतना भरोसा करके हमारे साथ जुड़ते हैं आके, अगर हम लोग उनको एक गलत जानकारी दे के उनको भ्रमित कर दें, तो मेरे हिसाब से सबसे बुरा वो एप्लीकेशन नहीं होगा, सबसे बुरे हम लोग होंगे। क्योंकि भाई वो एप्लीकेशन बनाने वाले ने तो पैसे कमाने के लिए बना दिया, लेकिन अगर हम लोग जान बूझ के उसका प्रमोशन करें और गलत चीज का बढ़ावा दें, तो उससे ज्यादा गलती हम लोगों की होगी। क्योंकि जो हमारी ऑडियंस होती है वो हमें अपना भाई समझ के हम पे इतना ज्यादा भरोसा करती है, और तब वो जाके हमारे ऊपर भरोसा करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करती है और अपना कुछ कीमती टाइम उसके अंदर स्पेंड करती है, और उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन हमें धोखा दे दे या पैसे ना दे, तो भाई कितना हर्ट होता है समझ सकते हो। फिर ऐसे में लोग गाली देते हैं कि भाई तूने झूठ बताया, भाई उनका कमेंट करना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि भाई जो बंदा तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, तुम्हारी बात मान के तुम्हारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तुम्हारे बोलने के बाद, और वो एप्लीकेशन अगर पैसे ना दे, तो भाई कितना बुरा लगता होगा उस व्यक्ति को। इतना तो गाली दे के भी मतलब माइंड को शांत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई डाउनलोड किया होगा, 8-10 दिन उसने टाइम बर्बाद किया होगा, उसके बाद अगर पैसे ना मिले तो भाई वो बंदा क्या, मैं खुद गाली दूंगा, क्योंकि भाई मेरे अंदर भी भाई इतना गुस्सा आ जाएगा कि भाई इतना टाइम दिया साला कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा तो भाई आता है। अब गुस्सा निकालना कहाँ है वो भी मैं बताऊंगा। ये एप्लीकेशन की सबसे खराब चीज सबसे पहले बताता हूं आपको। देखो, यहां पे जितने भी पैसे कमाने का मेथड दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी मेथड ट्राई कर लो, आपके 1 या 2 दिन में इतने पैसे तो बन जाएंगे, कितने, जितने आपको ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस रिडीम वाले ऑप्शन पे 300 रुपए का ऑप्शन दे रहा है ना, अभी रिडीम पे क्लिक करो, यहां पे लिख के क्या आएगा अभी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना, इतना, ठीक है। ये पेमेंट आपका 1 दिन में ही हो जाएगा, 1 या 2 दिन में ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब इतना बचेगा तो आपको लगेगा भाई यार अभी तो यार केवल 6 रुपए बचे हैं, 6 रुपए अगर मैंने और मतलब 1-2 लोग को और कंप्लीट करा दिए तो मुझे 300 रुपए मिल जाएंगे इजीली। बस आदमी के दिमाग में ये चीज आ जाती है, लेकिन ये एप्लीकेशन कर क्या रहा है, हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पूरी तरह से फ्रॉड है। ये जो 6 रुपए है ना, ये कभी कंप्लीट ही नहीं होते, चाहे तुम 100 लोगों को रिडीम कर डालो, भाई पेमेंट मिलेगा इन्हें, घंटा पेमेंट नहीं मिलेगा। भाई यार मैंने जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था कि ये एप्लीकेशन पैसे देता है, मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि हाँ पैसे मिल रहे हैं। मैंने उससे दोबारा फिर कहा, क्योंकि भाई मुझे कंफर्म हो चुका था कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैंने उससे कहा तुम नया अकाउंट बनाओ, उसके बाद अगर तुमने पेमेंट लेके मुझे दिखा दिया तो मैं जान जाऊंगा कि ये एप्लीकेशन पैसे देता है। उसने नया अकाउंट बनाया, उसके पैसे नहीं मिले। ये एप्लीकेशन कर क्या रहा है, 10 में से 1-2 लोगों को पैसे दे रहा है, मतलब अगर 100 लोगों ने डाउनलोड किया तो उसमें से 4-5 लोगों को पैसे दे देता है, बाकी सबको घुमाता रहता है। और पैसे देता किन लोगों को, जो लोग पेड प्रमोशन इसका करते हैं, यानी यूट्यूबर, ब्लॉगर्स और कोई ऐसा जिसका मतलब जीमेल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से अटैच हो, ठीक है। ऐसे लोगों को ये लोग पैसे देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो सके, बाकी सब लोगों को केवल ये लोग चूना लगाते हैं, चूना और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं बोल रहा हूं सही नहीं है, मुझे पता है कि ये YouTube के खिलाफ है किसी को गलत बोलना, लेकिन भाई क्या ये सही है कि आप किसी चीज को जानते हो और वो चीज गलत हो रही है आप लोगों के सामने, और आप उसको सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, आप में इतनी ताकत है कि आप उसका विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? मेरे हिसाब से नहीं सही है। अगर किसी को सही लग रहा है तो डिसलाइक मार के जा सकता है, लेकिन भाई अगर मैं इसको प्रमोट कर सकता हूं तो मैं इसको डिमोट भी कर सकता हूं। क्यों डिमोट कर रहा हूं, इसका भी रीजन है, क्योंकि भाई जितने लोगों ने टाइम बर्बाद कर लिया, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि अब
कोई मेरे अलावा कोई भाई ऐसा भी हो जो ऐसे फर्जी के एप्लीकेशंस के पीछे अपना टाइम, कीमती टाइम बर्बाद कर दे, क्योंकि हर एक की लाइफ का जो टाइम होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये वीडियो आज ना बनता, एक भाई ने पता नहीं किसने मुझे कमेंट किया था कल या परसों की वीडियो में, जहां पे उसने ये बोला था कि भाई वीक क्लिप के पेमेंट प्रूफ के ऊपर वीडियो बनाओ। मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि भाई इतना ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई पेमेंट मिलने लगता तो कमेंट कोई करता ही नहीं, और पेमेंट शायद विड्रॉल या हुआ नहीं है या फिर मिल नहीं रहा। मैंने तुरंत तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड किया और डाउनलोड करके पेमेंट देखने की विड्रॉल करने कोशिश की, तो भैया देखा कि यहाँ पे विड्रॉल मिल ही नहीं रहा है, मतलब जितना पहले पेमेंट दिखा रहा था उतना ही अभी भी दिखा रहा है। और यहाँ पे लालच देकर टोपी क्या पहनाई जाती है वो भी तो जान लो मेरे भाई, यहाँ पे टोपी ये पहनाई जाती है कि ये देखो ऊपर देखोगे 100-100 रुपए का विड्रॉल दिख रहा है, लेकिन अगर मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक ही बंदा जैसे ये है, ठीक है, अब ये बंदा तो 5 मिनट देखना ये लाइन घूमते घूमते इसी बंदे का दोबारा फिर से रिडीम में नाम आएगा कि इसने फिर से 500 रुपए जीते, 200 रुपए जीते, 50 रुपए जीते। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ मेरे भाई, आप लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल बेकार हो, ठीक है, वो भी व्यक्ति समझ जाएगा कि वहां पे विड्रॉल लग रहा है 100 रुपए 50 रुपए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इसी एप्लीकेशन के अंदर मैं इस एप्लीकेशन को फ्रॉड साबित कर सकता हूं इसी के मेथड के थ्रू। कैसे? क्योंकि भाई यहां पे 100 रुपए 200 रुपए निकालने का ऑप्शन दे रहा है, 50 रुपए निकाले, 500 रुपए निकाले, भाई यहां पे कहां पे 50 रुपए का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पे मिनिमम विड्रॉल तो 300 रुपए और तो 50 रुपए दिखा रहा हो, तो यार पागल व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ये जो पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है पूरी की पूरी फ्रॉड है, कोई पैसा नहीं मिलता इस एप्लीकेशन से, पूरी तरह से झंड एप्लीकेशन है, ठीक है, ये केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाने की चीज है। यार भाई जब तुमने अपने एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे 300 रुपए 500 रुपए इतने इतने रुपए लगा रखे हैं, तो ये 50 रुपए 100 रुपए निकल कहां से रहे हैं भाई? मिनिमम विड्रॉल तो आपने इसके अंदर 300 रुपए डाल रखा है, तो ये विड्रॉल दूसरा है वो कहां से रहा है आप मुझे बताओ, कहां से हो रहा है यार? हो ही नहीं सकता यार, पूरी तरह से फ्रॉड है, टाइम बर्बाद करने की चीज है। जो चीजें मैं बता रहा हूं कुछ लोग हो सकता है गलत भी लग रही हूं, जिनको गलत लग रही है डिसलाइक मार के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देखो सच ही बताऊंगा, तुम्हें कड़वा लगे बुरा लगे जो लगना है लगे, डिसलाइक मारो कुछ भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरे पे भरोसा करते हैं मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता हूं, भले मुझे लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो बात सच है वो सच ही रहेगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये बता देता हूं, ऐसे एप्लीकेशंस को हमें लात मार के बाहर करने, तो इनके करने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ काम भी करना होगा ना, तो ऐसे एप्लीकेशंस का गुस्सा आपको कमेंट सेक्शन में नहीं निकालना। एक ऐसी जगह है जहां पे कहते नहीं हर इंसान की एक कमजोर नस होती है, अगर उस कमजोर नस पे तुम वार करोगे ना तो अच्छे से अच्छा इंसान भी चिलक पड़ेगा, वो कौन सी है चलिए बता देता हूं, आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहां पे गाली देने से कुछ नहीं होगा, प्ले स्टोर के अंदर जाओ वीक क्लिप सर्च करो आ जाएगा, ठीक है, यहां पे अपना एक कमेंट एक मतलब फर्स्ट वाला ये मारो रेटिंग, एक की रेटिंग दो, उसके बाद यहां पे जितना घटिया कमेंट लिख सकते हो लिखो और लिख के पोस्ट करो, ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया है वेरी बैड, बाकी आप जो लिखना चाहो गाली जो भी आपको जो समझ में आए जो इस एप्लीकेशन के प्रति आप फील करते हो वो चीजें आप यहां पे लिख दो, सिंगल की रेटिंग दे, रेटिंग एक की दे देना तभी कमेंट लिखने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसे एप्लीकेशन को लात मार के भगाना है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं जाता कोई चार्ज नहीं कटता है, ठीक है, लेकिन ऐसे एप्लीकेशन को मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जिस व्यक्ति को आपने शेयर किया है पता नहीं भाई, देखो पहली बात तो आपके शेयर करने से कोई भी व्यक्ति डाउनलोड जल्दी से करता नहीं, बहुत ज्यादा जो फ्रेंड आपका भरोसा करता है वही आपके बोलने से डाउनलोड करता है, और अगर आपने उसको भेजा और उसमें पैसे नहीं मिले तो वो उस एप्लीकेशन की गलती नहीं आपकी गलती समझेगा, तो समझ सकते हो उससे कितना बड़ा आपकी फ्रेंडशिप में फर्क पड़ेगा। आपने किसी अपने दोस्त भाई किसी को भी भेजा और उसको पैसे नहीं मिले तो आपकी बात तो खराब हुई हुई, उसके साथ साथ आपकी कितनी वैल्यू वहां पे डाउन हो गई आपने ये कभी नहीं सोचा, ठीक है। तो कभी भी डाउनलोड करो जेन्युइन एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मैंने टॉप 3 अभी तक ऐसे एप्लीकेशन देखे हैं जो पैसे देते हैं, अब तो शायद 3 नहीं 2 हो गए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मैंने टॉप 3 के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिन लोगों को अर्निंग करनी हो वो मतलब 3 एप्लीकेशन है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिनमें कि पेटीएम फर्स्ट जो है उसको अब मत डाउनलोड करना, क्योंकि मुझे लग रहा है अब उस पर भी विड्रॉल मिलना बंद हो गया है, तो अभी केवल जो रिसेंट के 2 एप्लीकेशन है वो उसके अंदर होंगे, ठीक है, 3 बताए हैं, 3 में एक तो बंद कर दिया पैसे देना लेकिन 2 अभी भी दे रहे हैं, तो उनको जाके डाउनलोड कर लेना, चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी।
अर्निंग के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो वही केवल वीडियो ऐसे हैं जो पैसे देते हैं, बाकी मैंने भी वीडियो बहुत बनाए हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। जो सच बात होती है तुम्हारा भाई तुम लोगों से नहीं छुपाता है, चाहे खुद से छुपा ले, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मेरी जान हो यार। तुम लोगों से अगर मैं कोई बात छुपाऊंगा तो खुद के साथ नाइंसाफी करूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति इतना ज्यादा भरोसा करके मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अगर मैं उसके भरोसे को तोड़ दूं तो भाई फिर मुझसे बुरा इंसान कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं खुद के साथ गलत कर सकता हूं, तुम लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, परेशान मत हो। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो इतना काम कर देना और अपनी भड़ास जितनी है यहां पे प्ले स्टोर पे आके निकाल देना। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बता सकते हो मेरे भाई, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर आप मेरे साथ हो और मेरी बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सहमत नहीं हो तो मत सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कर देना, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशन में कभी ना फंसे मेरे भाई। तो मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग और कूल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।